जो एनडीए गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उनके प्रधानमंत्री पद के ऑफर आए। कन्वीनर बने, लेकिन अशोका होटल की मीटिंग से पहले एक साजिश के तहत केजरीवाल जी ने भी और ममता दीदी ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए खड़गे का नाम उठाया, जबकि यह तय हो गया था कि कोई प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं होगा। और नीतीश कुमार जी के कन्वीनर बनने पर भी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता ने सवाल कर दिए। इतना ह्यूमिलिएशन, इतनी मेहनत करने के बाद हमारी रैंक एंड फाइल को मंजूर नहीं था, और हमें इनके इरादों का पता लग गया कि ये विकल्प के बजाय उस संगठन पर कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा जनता दल यू ने इंडी गठबंधन से नाता तोड़ करके और एनडीए में जाने का फैसला किया, और एज ऑन टूडे वी आर वेरी कंफर्टेबल। इतिहास गवाह है कि हमारा फैसला सही था, लेकिन चुनाव नतीजे के घोषणा होते ही कांग्रेस इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग कांग्रेस वो लग गए नीतीश कुमार जी और जेडीयू को अपनाने में। जो इंडी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उनके प्रधानमंत्री पद के ऑफर आए। मुझे प्रसन्नता है कि जेडीयू के नेतृत्व ने उनको रिजेक्ट कर दिया और नए प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन श्री नीतीश कुमार जी ने किया, और ये सारी अफवाहें जो उनके द्वारा फैलाई गई थी उनका समापन हो गया। लेकिन ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी इंडी गठबंधन के नेताओं की रही कि जिस व्यक्ति को वो कन्वीनर बनाने के लिए तैयार नहीं थे उसको प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर रहे थे, नंबर एक। नंबर दो, नेताओं के नाम और जो कन्वर्सेशन है वो फोनों में बंद है, लिहाजा अगर किसी नेता ने नाम जानना चाहा या खंडन करना चाहा तो हमारे पास वो सारे सबूत। प्रपोजल तो उन्होंने खुल्लम खुल्लम मीडिया में दिए हैं, इसमें जो कैद है वो अलग है। नेताओं के नाम भी, कन्वर्सेशन भी, और उन्होंने खुद नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को वो डेली खुल्लम खुल्ला समाचार पत्रों के जरिए कह रहे। क्या ये 4 तारीख को ही आया था जिस दिन रिजल्ट आया था, उसी दिन ऑफर आया जी? और क्या गांधी परिवार की तरफ? नहीं, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, लेकिन कांग्रेस के जो हाईएस्ट ऑफिसर थे, ऑफिस बीरर थे, उनका भी था और जो सहयोगी पार्टी है उनका भी था। सर, जो आप कह रहे हैं फोन में कैद है, क्या वो उसको आप सार्वजनिक कर सकते? नहीं, मैं उसकी गोपनीयता समाप्त नहीं करूंगा। ये राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ। सर, राहुल गांधी का नाम अब आगे आ रहा है इंडिया अलायंस के नेता के तौर पर, आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक थी जिसमें राहुल गांधी का नाम। ये पहले दिन से तय था, नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन के जो घटक दलों के अन्य नेता हैं उनको बाईपास करके पहले दिन से उनकी योजना थी कि इंडी गठबंधन पर कब्जा करो और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट। सर, क्या आरजेडी की तरफ से भी नीतीश कुमार से संपर्क किया गया था? सबसे नीतीश कुमार जी ने तो फोन उठाने से मना कर दिया था।